और वी वी नॉट स्पीड से जा रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड से जा रही है, और इस तरह का यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म फील्ड है अंदर की तरफ, आर रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग है, आर रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह की है, इतनी रिंग है आर रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग जो वी नॉट स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट वेक्टर अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी कितना होगा, क्या आंसर होगा वी ए माइनस वी बी का। ये चीज़ है आपकी, किसी भी शेप का हमें क्या फर्क पड़ता है, बस सही कह रहे हैं आप अरविंद, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम तो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे, स्ट्रेट वायर वी नॉट है, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 R के बराबर हो जाएगी, सिस्टम इक्विवेलेंट है ना बेटा इसका, ए और बी, तो आपका पता है ना इसका, तो आपने पढ़ा है इतना, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है वी वी एल, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका वी वी नॉट इंटू 2 R, तो ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा आपका किसी भी शेप के वायर हो, आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके फोर्स निकाल लेते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, तो एक ईएमआई में भी वैसी चीज बन गई, कैसी भी शेप का वायर हो जब तक फील्ड यूनिफॉर्म है आप दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके लिख सकते हो, तो वही किया मैंने, कैसी शेप है सेमी सर्कुलर है क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो स्ट्रेट वायर मान लिया, कितनी लेंथ आ जाएगी और आर रेडियस है तो 2 R, तो 2 R लेंथ का वायर वी नॉट स्पीड से यूनिफॉर्म फील्ड में चल रहा है, तो आपको ये भी पता है कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा वी वी नॉट इंटू 2 R हो जाएगा।